दतिया कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में आदेश पारित किया गया था कि दतिया जिले की संपूर्ण सीमा 31 मार्च तक नियमित की गई है। आदेश में समय सीमा को बढ़ाते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दी गई है और भी जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। लॉकडाउन में सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते हुए पालन करें। वहीं दूसरी तरफ 21 तारीख को भांडेर तहसील के अंतर्गत ग्राम लहार हवेली में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर कलेक्टर रोहित सिंह, एसपी अमन सिंह राठौर निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सभी प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ और राजस्व विभाग एसडीएम राकेश परमार एवं सभी प्रशासनिक अमले को आदेशित करते हुए निर्देश दिए गए कि कोई भी अव्यवस्था न होने पाए, सभी व्यवस्थाओं का समय पर ध्यान रखा जाए और ग्राम को सील कर आवागमन बंद कर दिया जाए। कलेक्टर रोहित सिंह ने भांडेर तहसील के लिए एक नया आदेश जारी किया है कि जिसमें ग्राम लहार हवेली वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 को कंटेमिनेटेड एरिया हेतु चयनित कर दिया है। कुछ विशेष अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर के बाकी सारी गतिविधियां बंद कर दी। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सारी जो छूट दी गई है शासन के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से वह एक आवश्यकता और सुरक्षा के बीच में संतुलन बनाने के क्रम में दी गई है। हमें निरंतर सतर्क रहना होगा, हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि हमारी दतिया की सारी जनता इसका इन निर्देशों का पालन करे। और दूसरी बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं वो ये है कि कल रात जो रिपोर्ट हमारे पास आई उसमें एक व्यक्ति लहार हवेली तहसील भांडेर के पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात नहीं है क्योंकि वो पहले से ही हॉस्पिटल में हैं और उनकी कंडीशन ठीक है। उनके संपर्क में जो लोग उनके साथ आए थे मुंबई से 35 लोग, उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जा चुकी है, उनकी भी उन सारे लोग स्वस्थ हैं और हमने आज कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया है दो वार्ड को। तो सारी ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग स्वस्थ रहें पर सतर्क रहें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।